क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा इंसान है जो इस दुनिया में पैदा हुआ था और उसकी मूर्तियां सबसे ज्यादा महंगी पूरे वर्ल्ड में बिकती हैं? एक नई समस्या और पैदा हो गई है कि जिन लोगों का मेरा मोबाइल नंबर है वो मुझे दिन भर कॉल करते रहते हैं और आगे नंबर शेयर करते रहते हैं, तो कृपा करके मेरा नंबर आगे शेयर मत करिए और जब तक कुछ भी अर्जेंट काम ना हो जब तक मुझे कॉल मत करिए। और आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, मैं फेसबुक पर हमेशा ऑनलाइन रहता हूँ और आप मुझसे डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। मेरी फेसबुक आईडी है facebook.com/anjulbamrolia और आप एंटर करेंगे तो आपको वहां पर मेरी आईडी डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर आप मेरे म्यूचुअल फ्रेंड्स के फ्रेंड हैं तो आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं और मैं आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगा। और अगर आप म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं हैं तो आप मुझसे चैट तो कर ही सकते हैं और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तबीयत थोड़ी खराब है लेकिन खबरें खास हैं तो शुरू करते हैं। मायावती ने बोला है कल की जो लखनऊ में एक एनकाउंटर कांड हुआ जिसमें एक अपर कास्ट के व्यक्ति को बेवजह मार दिया गया उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और जो गिल्टी पुलिसमैन है उन पे सजा होनी ही चाहिए। जब मायावती उत्तर प्रदेश की सीएम थी तो मैंने ये सुना था कि अच्छे अच्छे गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए थे, क्या ये सही बात है तो मुझे कमेंट में बताइए। बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर संस्थापक कांशीराम जी की 12वीं पुण्यतिथि है 9 अक्टूबर को और इसके उपलक्ष्य में बहुजन समाज पार्टी लखनऊ में एक बहुत बड़ी रैली निकालने वाली है। लगभग 10-12 हज़ार लोग इस रैली में सम्मिलित होंगे और वहां पर एक कांशीराम इको गार्डन पार्क है, वहां पर लगभग 2 लाख लोग इकट्ठा होने की बात चल रही है। इस प्रोग्राम में मायावती भी शायद एज अ चीफ गेस्ट शामिल हो सकती हैं, अभी तक इस बात का कोई कन्फर्मेशन नहीं मिला है लेकिन ऐसा बोला जा रहा है। कांशीराम जी ने और भी संगठन बनाए थे बहुजन समाज पार्टी के अलावा, जैसे DS4 हो गया, बामसेफ हो गया। बामसेफ तो इतनी सारी हो गई आजकल समझ ही नहीं आता असली बामसेफ कौन सी है। नेक्स्ट जो खबर आ रही है बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत दुखद खबर है। तेलंगाना स्टेज में बहुजन समाज पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ता और बड़े नेताओं ने TRS वहां की एक लोकल पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति जो लगभग 17 साल पुरानी पार्टी है उसको ज्वाइन कर लिया है और वहां के कुछ पार्टी के जो सीनियर मेंबर्स हैं उन्होंने ये बोला है कि BSP जो है वो कास्ट बेस्ड और कम्युनल बेस्ड राजनीति करती है जो कि ठीक नहीं है, हमें सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है। बहुजन समाज पार्टी वालों को ये चीज़ समझना होगा कि उनसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं और उसको जल्दी से जल्दी सुधारें, क्योंकि चुनाव पास में अगर ऐसे ही लोग दूसरी पार्टियों में सम्मिलित होंगे इतनी बड़ी संख्या में तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है 2019 में। ये बहुत खास बात है, ध्यान से सुनिएगा। बुद्ध को भारत से निकाल दिया गया था, उसके बाद वो पूरे साउथ एशिया में फैल गए, लगभग बहुत सी 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में आज बुद्धिज्म है। एक समय ऐसा आ गया था बुद्धिज्म तो फैल रहा था लेकिन लोगों को ऐसा लगने लगा था कि ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है जैसे ज्यादातर स्टोरियां होती हैं। इस स्टोरी की सच्चाई पता लगाने के लिए कुछ अंग्रेजों ने नेपाल जाने का फैसला किया जहां बुद्ध का जन्म हुआ था और वहां जाकर उनने एक बहुत बड़ी खोज की और वहां जाके उन अंग्रेजों ने बुद्धा की अस्थि कलश खोज निकाला। इसके ऊपर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। इस के बारे में अगर आप मुझसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके पोल करिए कि हाँ आप जानना चाहते हैं, तो मैं इसके ऊपर एक खास वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको ये समझाऊंगा कि बुद्धा को किस तरह से अंग्रेजों ने फिर से ढूंढा और बुद्धा ही वो असली इंसान है जिनके जाने के बाद आज भी उनकी मूर्तियां सबसे ज्यादा महंगी बिकती हैं। चाइना से खबर आ रही है कि वहां पर एक महिला थी जो कि चोंगपिंग शहर में रहती थी और वहां पर उसने एक कुरियर कंपनी को एक बुद्धा की पुरानी मूर्ति को कुरियर करने के लिए दिया, दूसरे शहर ले जाने के लिए दिया और उस कुरियर कंपनी ने उस मूर्ति को गलती से तोड़ दिया। अब इस महिला का कहना है कि मूर्ति काफी पुरानी थी और इसकी कीमत कम से कम 20,000 योन है और इसकी जो भारत में कीमत जो है लगभग 2 लाख रुपए से ऊपर है। कुरियर कंपनी का कहना है कि अगर उसे पता होता कि इसके अंदर कोई बुद्धा की स्टैचू है तो वो कभी भी कुरियर नहीं करती। अगर आपको भी कभी बुद्धा की स्टैचू जमीन में गड़ी मिल जाए, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा बुद्ध की स्टैचू जमीन में गड़ी हुई मिलती है, उसकी कीमत कम से कम लाखों में होगी और हो सकता है कि वो करोड़ों में भी हो, तो कभी ऐसी मूर्तियां मिल जाए तो कभी भी किसी को मत देना, अपने पास रखना। वर्ल्ड की सबसे बड़ी बुद्धा की मूर्तियों में से एक मूर्ति है द जायंट बुद्धा स्टैचू ऑफ लेसन सिटी। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि इसे इंस्टाग्राम में पिक ऑफ द वीक मिला है, मतलब पूरे इंस्टाग्राम में पूरे हफ्ते में सबसे बेस्ट फोटो का अवार्ड मिला था इसको। ये मूर्ति जो है लगभग 800 साल पुरानी है और इस मूर्ति को बनाने में लगभग 90 साल लग गए थे, मतलब 90 सालों तक इस मूर्ति को बनाया गया था। चाइना की एक रिसर्च टीम में पाया है कि इस मूर्ति के जो चेस्ट और अब्डोमिनल पार्ट में कुछ क्रैक नजर आए हैं, तो 4 महीने के लिए इसे एग्जामिन किया जाएगा और
बहुत सारे टेस्ट किए जाएंगे इसके ऊपर, लेज़र टेस्ट, इंफ्रारेड टेस्ट, और अगर ऐसा कोई डैमेज पाया जाता है तो उसको रिपेयर किया जाएगा। आज के लिए इतनी ही खास खबरें थी, और मैं इस तरह की वीडियो डेली बनाने की कोशिश करता हूँ जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि बुद्ध और बाबा साहब के बारे में देश में और विदेशों में क्या चल रहा है, ताकि आपका दिमाग जो है थोड़ा ब्रॉड हो सके और आप जात पात और लड़ाई दंगों से भी हटकर चीज़ें सोच सकें और देख सकें। और इस मेहनत के लिए मुझे 500 लाइक्स चाहिए आपकी तरफ से। अगर आप 500 लाइक्स मुझे करते हैं तो मैं इस तरह की और भी वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूँगा। थैंक यू।